तो चलिए उत्तराखंड प्राइम में एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य आंदोलनकारियों के पेंशन को बढ़ाने का यह ऐलान हुआ है। 3100 रुपए जो हर महीने मिला करते थे वो पेंशन अब 4500 रुपए होगी और 5000 की जगह 6000 पेंशन की गई है। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर एक ऐलान किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, कहते हैं जिसके हिसाब से अब जो पेंशन दी जा रही थी आंदोलनकारियों को उसकी राशि बढ़ाई गई है। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को सीएम आवास पर गायक दलेर मेहंदी ने मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने दलेर मेहंदी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया, कहा कि उनकी गायकी का अपना अंदाज है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और उनका उत्तराखंड में स्वागत है। तो एक ओर 2022 चुनाव के तहत भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से परेशान है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत के पार्टी से इस्तीफे के बाद अब नारायण बगड़ ब्लॉक से कांग्रेस कमेटी के उन समर्थकों में भी ये नाराजगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चेतावनी के रूप में भेजे गए पत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि अगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत का इस्तीफा वापस नहीं हुआ तो नारायण बगड़ ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी सामूहिक इस्तीफा दे देगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री गोदियाल जी, मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो हम भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मगर सारे हमारे कोठीवाड़ के युवा, हमारे पूरा नारायणगढ़ ब्लॉक लक्ष्मण रावत के साथ है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो उधर पहाड़ पर भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपके प्रदेश प्रभारी का कहना है कि नवंबर के आखिर तक सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही पार्टी इंटरनल सर्वे करा रही है ताकि प्रत्याशियों के चयन में आसानी हो। हमारी तो चुनौती, आम आदमी पार्टी की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को भी है, कांग्रेस को, कि वो भी अपने प्रत्याशी घोषित करें और जनता के बीच में जाएं तो उनको पता लगेगा कि किस तरीके से जनता का सामना होता है। हम अपने प्रत्याशियों को, प्रभारियों को पहले से घोषित करके जनता के बीच भेज रहे हैं जिससे कि वो लोगों से संपर्क भी कर सकें। हमारी ये चुनौती है कि वो भी पहले अपने प्रत्याशी घोषित करें।